सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर सिक्स करेंगे, जिसका नाम है यूज ऑफ व्हाट, वेयर एंड हु। व्हाट यानी क्या, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग कहाँ होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं, आपको उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट का मतलब क्या, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है। This is a cat, ये एक बिल्ली है। When, when का मतलब कब। When do you get up in the morning, तुम मॉर्निंग में सुबह कब उठते हो। When मतलब कब उठते हो। आपने आंसर दिया I get up 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। Where is Pintu going, where मतलब कहाँ, पिंटू जो है वो कहाँ जा रहा है। I am going to school, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। Why is baby crying, why का मतलब क्यों, जो बेबी है, जो बच्चा है वो क्यों रो रहा है। The baby is crying because he is hungry, जो बेबी है वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो हंग्री है, क्योंकि वो भूखा है। Who is he, ये कौन है, वह कौन है, ये जो है ये कौन है। Who का मतलब कौन। He is मनोज, ये मनोज है। Who is she, ये कौन है। She is a woman, ये एक औरत है, ये एक स्त्री है। ठीक है, दोबारा से क्या मतलब होता है व्हाट का, यानी क्या। अगर मुझे किसी से क्वेश्चन पूछना है कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तो मैं क्या यूज करूंगी, व्हाट यूज करूंगी। क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट। मैंने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, यानी व्हाट आया। तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग, तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, क्या के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट। अगर मुझे किसी से पूछना है कि तुम कब, मुझे किसी से व्हेन यानी कब का पूछना है। मैंने पूछा तुम खाना कब खाओगे, तुम कब सोओगे, तुम कब स्कूल जाओगे, तुम कब पढ़ाई करोगे, तुम कब डांस करोगे, यानी कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। अगर मुझे किसी से पूछना है कहाँ, या जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं क्या पूछूंगी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाई इज, अगर मुझे किसी से क्यों पूछना है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों डांस कर रहे हो, अगर क्यों का मतलब क्या होता है, व्हाई। से मैंने पूछा व्हाई आर यू डांसिंग, व्हाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। Why are you dancing? तुम क्यों डांस कर रहे हो? Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? तो मैंने क्या यूज किया? Why यूज किया? Why का मतलब क्या होता है? क्यों? अगर मुझे किसी से कौन पूछना है, मुझे किसी से पूछना है, वह कौन है? वह लड़की कौन है? वह आदमी कौन है? तो कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं? Who? जैसे मैंने बोला Who is she? वह कौन है? Who is he? वह कौन है? ठीक है, अब वर्ड जो आपको याद होने चाहिए वो क्या है स्टूडेंट, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, दिस यानी यह, कैट बिल्ली, यू तुम, वेयर कहां, गोइंग जा रहे हैं, स्कूल विद्यालय, क्राइम रो रहे हैं, हंगरी भूखा, लाइव रहते हो, इन में, हु कौन, वह ही वह, वुमेन औरत। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी व्हाट, वेयर और हु का यूज करके दो सेंटेंस बनाएंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, बन गया दो सेंटेंस व्हाट से। अब वेयर से, वेयर आर यू गोइंग,
Where you live? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ रह रहे हो? Who से? Who is she? Who is he? ऐसे करके आपको दो सेंटेंस इन तीनों वर्ड पे बनाने हैं और अपने कॉपी में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू।